Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. खबर छत्तीसगढ़ कोरिया से, जहां पर भरतपुर के ग्राम पंचायत कोटाडोर में ग्रामीण इन दिनों लघु वनोपज के संग्रहण का काम उत्साह के साथ कर रहे हैं। तेंदुपत्ता संग्रहण के परिश्रमिक दर के वृद्धि के साथ ही लघु वनोपज के समर्थन मूल्य पर खरीदी से ग्रामीण खुश है। व साथ ही साथ आदिवासी समुदाय के लोग इन दिनों महुआ व अन्य लघु वनोपज के संग्रहण के काम में जुटे हुए है। सुबह होते ही महिलाओं की टोली अपने हाथों में खाली टोकनी लिए हुए महुआ के पेड़ों पर निकल पड़ती है। वहीं ग्रामीण महुआ के साथ साथ अन्य लघु वनोपज जैसे इमली, हर्रा, चरोटा व साथ ही साथ बीज आदि का संग्रहण कर रहे हैं। ग्रामीण अपने मुंह पर नाक व गमछा, रुमाल आदि मास्क लगाकर ही सोशल डिस्टेंस का पालन करने के बाद ही ये काम कर रहे हैं। तहलका इंडिया न्यूज के लिए पप्पू कुमार की रिपोर्ट। जो लोगों का खेती के अलावा जीविकोपार्जन का विशेष साधन है, महुआ फूल को इकट्ठा करके लोग बाजार में बेचकर अपना शादी विवाह और अपनी आर्थिक स्थिति के लिए भविष्य के अन्य सामग्री, विशेषकर मतलब बरसात के लिए व्यवस्था करते हैं। बरसात सीजन के लिए महुआ बीनते हैं जंगल में आ करके। महुआ के चलते जब तक चलता है तब तक तो चलता है, दाल, तरकारी, साबुन, तेल, हर चीज़ में तो काम आता है पैसा रुपया महुआ। और ऐसा कोई विकास है नहीं है, तो महुआ पत्ती है अपना बीन रहे हैं, खा रहे हैं। महुआ बीनने जाते हैं, हमारा मुख्य आधार महुआ है आदिवासी का, उसको खाते हैं भी हैं, बेचते भी हैं, कपड़ा लगता उसे हम सब सुविधा अपना बनाते हैं। से चालू हुआ है और हमारे पूरे जांग भखार के जितने माताएं बहने हैं व बच्चे, तो महुआ का सीजन में अपना भोर से ही टुकनी लेकर के अपना काम काज करते हुए जंगल की ओर निकल पड़ते हैं, जिसमें महुआ का फूल बिनकर फिर वो अपना शाम टाइम वापस लौट के आते हैं घर, और उसी से अपना पूरे परिवार, सदस्य और शादी ब्याह में खर्चा के लिए एक साल का अपना महुआ पत्ती, तेंदु पत्ती और हर्रा बहेरा चार बीन करके अपना पूरे परिवार का लालन पालन पोषण करते हैं, जिसमें और महुआ पत्ती वही हम लोग का पूरे चांग भकार के जितने गांव के ग्रामीण लोग हैं उन्होंने अपना महुआ पत्ती से ही जीवन